मारुति, मेरा सपना मेरी मारुति, मेरी मारुति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज हम जिस कार के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 1980 से लेके 2014 तक भारतीय दिलों पर राज करने वाली मारुति सुजुकी 800 को मारुति कंपनी एक बार फिर दोबारा मार्केट में उतारने की तैयारी में है। जनवरी 2014 में मारुति 800 का उत्पादन बंद कर दिया गया था। उसके बाद आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कारों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है, बहुत ही ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आ गया इलेक्ट्रॉनिक कार्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके। तो उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए वो मारुति सुजुकी 800 सीसी को एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में उतारने की तैयारी में है मार्केट में। तो सबकी फैमिली को पसंद आने वाली ये व्हीकल उस समय में 1980 में सबकी पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली और बहुत सारे फीचर्स जो ये ऑफर कर रही थी उस समय में 90s के किड्स को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मारुति सुजुकी 800 के आउटर डायमेंशंस की अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात करता हूँ तो आउटर डायमेंशंस में आपको ज़्यादा कुछ चेंज नज़र नहीं आने वाला है। छोटी और कॉम्पैक्ट कार रहेगी, ये 4 सीटर सेगमेंट में आने की संभावना है। हालांकि इसके इंटीरियर्स और इसके सेफ्टी फीचर्स को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है आज के ज़माने के हिसाब से। मारुति सुजुकी 800 की अगर मैं फ्रंट एंड से बात करता हूँ तो वही आपको मारुति की बैजिंग के साथ फ्रंट एंड से इसकी न्यू शेप्ड ग्रिल मिलने वाली है और नीचे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग भी मिलेगी। R12 इंच के रिम्स के साथ ऑफर होने वाली मारुति सुजुकी 800 आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में भी 12 इंच के अलॉय व्हील्स और रिम्स के साथ मार्केट में उतरेगी। इंटीरियर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यू मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंटीरियर भी बहुत सुप्रीम और लग्जूरियस होने वाले हैं। आज के टेक्नोलॉजी फीचर्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए न्यू मारुति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंटीरियर्स भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। आपको इसमें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, उसके साथ आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट में आपको इसमें पावर विंडोज़ मिलने के साथ साथ मैनुअल एयर कंडीशनिंग, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेता हूँ तो आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ही सुप्रीम मिलने वाले हैं। स्टैंडर्ड एयरबैग्स के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे बहुत ही एंडलेस सेफ्टी फीचर्स आपको मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिलने वाले हैं। न्यू मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो इसकी रेंज 130 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर पर चार्ज रहने वाली है। अगर आप इसकी बात करते हैं चार्जिंग की तो इसकी स्टैंडर्ड AC चार्जिंग दैट विल टेक अराउंड 7 to 8 hours टू फुल चार्ज। अगर आप DC फास्ट चार्जिंग से कराते हैं तो अराउंड 80% चार्ज हो जाएगी ये 1 घंटे में। इस नई मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस व्हीकल की शुरुआती कीमत 10 लाख से 12 लाख रुपए की होने की संभावना है। तो आपको ये मारुति सुजुकी का नया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही तरोताज़ा और रिफ़्रेशिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा।